अपने प्रतिभा के बल पर देश ही नहीं पूरी दुनिया में परचम लहराने का इतिहास बिहार का पुराना है। यहाँ आज भी एक से एक प्रतिभावान देखने को मिलते हैं। कुछ दिनों पहले नालंदा के सोनू की पढ़ाई को लेकर चर्चा में रहा था, अब पटना के मसूरी का बॉबी वायरल हो गया है। 8 साल का बॉबी 3री क्लास में पढ़ता है, लेकिन 10वीं तक का गणित मिनटों में हल करता है। सोशल मीडिया पर बॉबी का वीडियो इतना वायरल हो रहा है कि लोग उसको अंदाज को देख कर छोटे कान सर के नाम से तारीफ कर रहे हैं। पटना जिले के मसौली, जिसका पूरा नाम तारिगना था, यहाँ महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का कर्म क्षेत्र रहा है। इसी जगह पर 8 साल के बॉबी को लोग महान गणितज्ञ के रूप में देख रहे हैं। बॉबी मसूरी प्रखंड के नदवा स्थित चपौर गांव का रहने वाला है। उसके माता पिता के गांव में अपने घर में एक छोटा सा स्कूल खोला है। बॉबी इसी स्कूल में पढ़ाई भी करता है। बॉबी के दिव्यांग पिता राजकुमार 10वीं तक के बच्चों को अपने घर में ही कोचिंग देते हैं। पिता के नहीं रहने पर बॉबी 9वीं और 10वीं तक के बच्चों को गणित पढ़ाता है। बॉबी को बीज गणित में ज्यादा लगाव है। 9वीं और 10वीं क्लास के बीज गणित को वह चुटकी में हल कर देता है। बॉबी को 200 से ज्यादा 10वीं क्लास के गणित के फॉर्मूले याद है। बॉबी को गणित बनाते देख आप भी हैरान हो जाएंगे। बॉबी के पिता राजकुमार ने बताया कि 4 साल की उम्र से ही उसकी पढ़ाई में रुचि दिखने लगी थी। हालांकि आम बच्चों की तरह बॉबी शैतानी भी करता है, लेकिन जब वह क्लास लेते हैं तो वह क्लास में बैठ जाता है और पढ़ता है। राजकुमार बहुत ही मिडिल परिवार से है। बॉबी की माँ प्रणव कुमारी ने बताया कि क्लास में सीखने के बाद जब वह उनके पास आता है तो वह उससे बताती है। वह अपने घर में स्कूल चला रहे हैं। दोनों ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की है। जब कोई काम नहीं मिला तो पति पत्नी मिलकर गांव में ही स्कूल चला रहे हैं। बॉबी ने बताया कि उसे गणित बनाने को आनंद आता है। उसका सपना है कि बड़ा होकर वह वैज्ञानिक बने और आधुनिक मिसाल बनाने का रिसर्च करे। उसकी माँ प्रभा कुमारी ने बताया कि अभी बॉबी छोटा है, वैज्ञानिक क्या होता है उसे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सोनू का वीडियो इसने देखा था जिसमें किसी ने कहा कि पूछा था कि आप बड़ा होकर क्या बनोगे, तो सोनू कहा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। उसी वक्त से बॉबी वीडियो देखने के बाद कहने लगा कि मैं वैज्ञानिक ही बनूंगा, सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है। बड़ी संख्या वाई माना है, वाई का मान 18, इसलिए बड़ी संख्या का मान हो गया 18। अब निकालना है छोटी संख्या, लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग हमको मालूम है 8y, लिख देंगे बराबर 8y। तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुना 18, फिर छोटी संख्या का वर्ग बराबर 144। छोटी